इनेलो पार्टी के पूर्व सरपंच संजीव ने रविवार को अपने निवास में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का अभिनंदन समारोह आयोजित किया, जहां उन्होंने अपने साथियों सहित इनेलो व जेजेपी पार्टी छोड़कर सुरजेवाला का हाथ थामा। संजीव छौत ने सुरजेवाला को पगड़ी पहनाकर व चांदी का गधा भेंट कर सम्मानित किया। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस में शामिल होने पर संजीव छौत व उनके साथियों का स्वागत किया व पूरा मान सम्मान देने का वादा भी किया। मुख्य अतिथि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इलाके की मजबूती व तरक्की के लिए आज हम सबको एक होने की ज़रूरत है। दूर दराज से लोग बहकाने के लिए आएंगे, वो आपस में लड़वाएंगे, लेकिन हमें जात पात से ऊपर उठकर सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने इलाके में नौकरी, तरक्की व विकास को प्राथमिकता दे सकें। भाई और साथी बंटू जी, गांव के गवांड के सब मेरे मौजूद बड़े बुजुर्ग, आदर और सम्मान के योग्य नौजवान साथी, बहुत दिनों से क्योंकि इस परिवार में सारे परिवार के साथी नरवाड़ा से भी आए हुए हैं। रिश्तेदारी वाली सांगड़ तो कई दशकों पहले बंधनी हुई, राजनीतिक और बंधनी बाकी, और मुंह से मांस अलग कैसे हो सकते। और अगर छोटा भाई बुरा ना माने, भाई घर बसा रखे न्यूज इससे बड़ा बड़ी बात कोई हो नहीं सकता कि आप अपनी बेटी किसी घर में दे दो, उससे बड़ी और क्या होगी, सबसे बड़ा यही होता है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी मिलता था बंटू को ये कहता था कि इतने दिन दूर रहे, आना तो पड़ेगा, परिवार के अंदर तो शामिल होना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा काम है कि हम रोटी बंद करो, ये नहीं करेंगे, प्यार से ही जीत मन जीत के लेकर। तो सारा परिवार मेरा भाई। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में भाजपा के कार्यकर्ताओं को बैन कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सीटीवी, चंडीगढ़।